नामुमकिन अब कुछ भी नहीं। अल सऊदिया शादी कोर्स, शादी से खौफजदा और कमजोर हजरात के लिए अनमोल तोहफा। कल के लिए अपना आज बदलो, सिर्फ एक बार अल सऊदिया शादी कोर्स इस्तेमाल करो। शरबत ज़ाफ़रान, मर्द कभी भूड़ा नहीं होता। यकीन नहीं आता तो अल सऊदिया का शरबत ज़ाफ़रान इस्तेमाल कीजिए। मजूने कस्तूरी खास और समंदर कैप्सूल, ताकत का खजाना जिसे माने जमाना, अज़दवाजी जिंदगी के हसीन लम्हात को तवील करे। अल सऊदिया की मजूने कस्तूरी खास और समंदर कैप्सूल, जरियान एहतलाम सूरत अंजाल बांझपन नामर्दी बे औलादी का शर्तिया और कामयाब इलाज। अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन, दूसरी मंजिल हाफिज जी प्लाजा, बिल मुकाबल मुस्लिम मस्जिद चौक, न्यू अनारकली लोहारी गेट, लाहौर। फोन 03004164। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज खान और मेरे साथ है मेरी को एंकर मिशी। अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन के फार्म हाउस पे हैं। यहां पे बहुत सारे दरख्त हैं, पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं जिनसे अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन का अदारा मेडिसिन तैयार करता है। तो हमारे साथ जनाब हकीम सिकू साहब भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि ये सामने हमारे जो है लीची का दरख्त है, लीची खाने में बड़ा मज़ेदार फल है, ठंडा फल है मिशी, और लोग बड़े मज़े से खाते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? लीची में अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ायदे रखे हुए हैं। ये जिगर के लिए मुफीद है, मैदा के लिए मुफीद है, ताज़ा खून पैदा करती है। जी जी, लीची के फ़ायदे आपने सुने नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत फल है ये। हकीम साहब से पूछते हैं कि इनका जो इदारा है अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन, वो लीची के जौहर से कौन कौन सी मेडिसिन बनाता है जी? हाँ जी, हमारे अदारा ने इस लीची के जोर के साथ मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ मिलाकर एक शरबत तैयार किया जिसका नाम रखा गया शरबत सफरे जाल। जी जी नाज़रीन, अल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन ने शरबत सफरे जल तैयार किया। हकीम साहब से पूछते हैं कि सफरे जल के क्या फ़ायदे हैं? हाँ जी, शरबत सफरे जल जिगर के लिए मुफीद है, मैदा के लिए मुफीद है, ताज़ा खून पैदा करता है। जी, सफरे जल के फ़ायदे आपने सुने। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि सफरे जल का जिक्र तिब्बे नबी में मिलता है जी? हाँ जी, तिब्बे नबी में सफरे जल का जिक्र मौजूद है। ये जन्नत का फल है। जन्नत का फल है जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि सफरे जल इस्तेमाल करो, ये जन्नत का फल है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई नबी ममूर नहीं फरमाया जी जी जिसे जन्नत का फल सफर जल ना खिलाया हो। सुभान अल्लाह जी मिशी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि सफर जल इस्तेमाल करो, ये दिल की बीमारियों के लिए मुफीद है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि सफर जल मुँह की बदबू ख़त्म करता है। सुभान अल्लाह जी, सफर जल के फ़ायदे आप सुन रहे हैं। और अभी हकीम साहब मेरे हाथ में एक जड़ी बूटी है। हकीम साहब, ये कौन सी जड़ी बूटी, इसके क्या फ़ायदे हैं जी? ये तो आम मिलने वाली जड़ी बूटी है, इस बूटी का नाम है अफसनतीन बूटी जी। अफसनतीन के फ़ायदे बता दें जी। ये मुसफ़ा खून बूटी है, फोड़े फिंसियाँ ख़त्म करती है, शुगर के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है, बवासीर के लिए बेहद मुफीद है। जी नाज़रीन, अफसनतीन के आपके फ़ायदे सुने। हकीम साहब, इसके जोर से मेडिसिन कौन कौन सी बनाई है आप? हाँ जी, हमारे अदारा ने अफसनतीन के जोर के साथ मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ मिलाकर, करेले का जोर मिलाकर एक शरबत तैयार किया जिसका नाम रखा गया शरबत करेला। जी शरबत करेला जी, शरबत करेला का भी फ़ायदे पूछ लेते हैं। हाँ जी, अल सऊदिया का शरबत करेला शुगर कंट्रोल करता है, शुगर से होने वाली कमज़ोरी को दूर करता है, शुगर के लिए बेहद मुफीद है। जी नाज़रीन, करेला शरबत करेला बहुत अच्छा शुगर के लिए। मिशी, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो? हकीम साहब, रंग गोरा करने के लिए कोई क्रीम बनाई है आपने? जी हकीम साहब। हाँ जी, हमारे अदारा ने रंग गोरा करने के लिए एक शरबत तैयार किया जिसका नाम रखा गया शरबत अंगूर जी। अल सऊदिया का शरबत अंगूर इस्तेमाल करो, रंग शर्तिया गोरा करता है जी। उसके बाद हमारे अदारा ने एक क्रीम बनाई है जिसका नाम रखा गया कस्तूरी गोल्ड हर्बल क्रीम जी।
अल सऊदिया की कस्तूरी गोल्ड हर्बल क्रीम इस्तेमाल करें, रंग शर्दिया गोरा हो। जी नाज़रीन, कस्तूरी गोल्ड क्रीम भी है, अंगूर भी है। हकीम, सबसे पहले अंगूर के फ़ायदे पूछते हैं और अंगूर रूह ज़मीन पर कब आया, ये इसके मतलब थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। जी हकीम साहब, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने काश्त की। अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह जी। और इसका जिक्र तिब्बे नबी में मिलता है? हाँ जी, तिब्बे नबी में इसका जिक्र मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अंगूर थकन ख़त्म करता है, अंगूर चेहरे को निखारता है जी। अंगूर में तो अल्लाह ताला ने बेशुमार ही फायदा सुभान अल्लाह जी, अंगूर के फ़ायदे आपने सुने। कस्तूरी का भी जिक्र किया था, कस्तूरी का मतलब थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, कस्तूरी पट्ठों की कमजोरी के लिए मुफीद है, कुव्वत-ए-खास के लिए मुफीद है।